हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक मिनट, फोन किसका? ओह नो, दिवाकर। दिवाकर मुझे क्यों कॉल कर रहा है इस टाइम? हाँ दिवाकर बोलो। क्या तुम नहीं आ सकते? तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं हमारी डेली लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं, जिनमें हम बोलते हैं तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव टू, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है तो। अगर आप सिंपली बोल रहे हैं तुम्हें आना पड़ेगा तो आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस केस में आप मस्ट हैव टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसे कि यू मस्ट हैव टू कम। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्टे। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक। तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। रिया को इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।